एएलपी ट्रांजैक्शन करने के लिए बीपीसीएल का ऐप खोल के एएलपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें लॉयल्टी ऑपरेशंस जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें जो सेल का ऑप्शन दिख रहा है उस पर सेलेक्ट करना है सेल में। उसके बाद आपको लॉयल्टी कार्ड करना है, लॉयल्टी ओटीपी करना है कि क्यूआर कोड से पेमेंट करना है, जिससे पे करना है वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी अपने को ओटीपी से करना है। उसके बाद इसमें जो प्रोडक्ट है सेल करना है उसका चयन करेंगे। अभी पेट्रोल का कर रहे हैं। उसके बाद अमाउंट डालेंगे, अमाउंट जितने का उसको फिल कराना है उतने का अमाउंट सही सही डालेंगे। अमाउंट सही डाल के उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगेगा, कस्टमर का करेक्ट मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें वॉलेट में रिवार्ड एंड सीएमएस वॉलेट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑडोमीटर रीडिंग मांगेगा, ऑडोमीटर रीडिंग आप कुछ भी डाल दो, उसको सबमिट कर दो। ओटीपी सेंड करने के लिए ओके, ओटीपी सेंड हो गया है, ओके पे क्लिक करके कस्टमर के पास जो ओटीपी आया है उसको ओटीपी डालकर सबमिट करना है। कस्टमर का ओटीपी डाल दिए, सबमिट कर दिए। जैसे इसको सबमिट करेंगे ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, ये मर्चेंट कॉपी आपका प्रिंट हो गया, पहला वाला मर्चेंट कॉपी है। कस्टमर कॉपी के लिए कस्टमर कॉपी में क्लिक करेंगे, आपका कस्टमर कॉपी प्रिंट हो गया, ये सेकेंड वाला कस्टमर का कॉपी है, ट्रांजैक्शन हो गया। एएलपी में कार्ड से ट्रांजैक्शन करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे, लॉयल्टी ऑपरेशन में जाएंगे, सेल में जाएंगे, लॉयल्टी कार्ड में क्लिक करेंगे, कार्ड में आपका डीजल सेलेक्ट करेंगे, फिर अमाउंट डालेंगे। अमाउंट जैसे अभी मैं 20,000 इंटर किया, उसके बाद उसको सबमिट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट में क्लिक करने के बाद इसमें कार्ड डालना है। कार्ड इंसर्ट होने के बाद उसमें पिन डालना है। ये कार्ड अभी रीड कर रहा है, कार्ड रीड किया, इसमें सीएमएस वॉलेट पे क्लिक करना है। फिर ओडोमीटर रीडिंग, ओडोमीटर रीडिंग आप कुछ भी डाल सकते हो 5-6 डिजिट का, फिर सबमिट करना है। फिर कार्ड का पिन डालना है, कार्ड का जो भी पिन है वो इंटर किया, उसके बाद ग्रीन पे क्लिक करना है और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। फर्स्ट जो रिसीप्ट निकलेगा वो मर्चेंट का रिसीप्ट है। अगर कस्टमर का कॉपी लेना है तो कस्टमर कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये कस्टमर कॉपी प्रिंट हो जाएगा और ये कार्ड से ट्रांजैक्शन हो गया बिना कोई एरर। और भी अगर देखेंगे हम लोग इसका बैच सेटलमेंट कैसे करते हैं, बैच शिफ्ट कैसे निकालते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, वो भी देखेंगे इसमें। जैसे एएलपी में क्लिक करेंगे, लॉयल्टी ऑपरेशन में क्लिक करेंगे, लॉयल्टी ऑपरेशन में क्लिक करके नीचे पे यूटिलिटी लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम ट्रांजैक्शन को वॉइड कर सकते हैं। ये जैसे शिफ्ट क्लोज कर रहे हैं, इसका शिफ्ट क्लोज कर दिए, अब इसका समरी निकल जाएगा, प्रिंट होके इसका समरी निकल गया जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन का समरी निकलने के बाद इसका प्रिंट अपने पास रखेंगे क्योंकि इसमें सेटलमेंट का रिसिप्ट नहीं निकलता, यही उसका सेटलमेंट है। और अगर शिफ्ट को क्लोज करना है तो क्लोज शिफ्ट डिटेल वो देखना है, शिफ्ट का अगर डिटेल देखना है तो शिफ्ट कितना टाइम क्लोज हुआ उसका टाइमिंग दिखाएगा इतना, उसके बाद ये शिफ्ट क्लोज हो गया उस टर्मिनल आईडी का। अब इसमें आप फिर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये शिफ्ट प्रिंट करने के लिए बोलता है तो उसी शिफ्ट समरी में जाके प्रिंट कर लेना है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अभी हम लोग कार्ड का मैनेजमेंट देखेंगे। कार्ड का मैनेजमेंट में आपको पिन चेंज, बैलेंस इंक्वायरी और कुछ कुछ देखने को मिलेगा। इसे ऑप्शन पे जाते हैं तो जाते जाएंगे तो पता चलेगा। ऑपरेशन में क्लिक करना है, कार्ड मैनेजमेंट में क्लिक करना है। इसमें आपको पिन चेंज का ऑप्शन दिखेगा जो पहले से